हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे ट्रिपल SB की मैथ की YQ सीरीज जो चल रही है उसका सेट नंबर 6 है, और ये हमारा 6 ही पेपर है। और ये जो आज हम पेपर करने वाले हैं ये है कंप्यूटर लैब IT असिस्टेंट का है। अभी जुलाई में हुआ था, 27 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का में हुआ था, और इसका पोस्ट कोड था 96/23। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है 5 फिर ब्रैकेट में 10+15 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट जो वीडियो ये प्रीवियस वीडियो हमने उसमें देखा था, क्या हमने एक बात करी थी, सॉल्व जब करते हैं तो हम एक रूल ध्यान रखते हैं, वो है बोर्ड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ, फिर डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है, 5 है, फिर ब्रैकेट में है 10+15 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर की जगह, मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 5 से हमने डिवाइड कर दिया, अब क्या होना है, मल्टीप्लाई होनी है। 4 3 12 होते हैं, तो 10+12 2 2 4 होते हैं माइनस का 4। अब इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, एंड 6 एंड 12 जो होगा 18 होगा। 5 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है, 18 5 जर होते हैं 90, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। The average speed in kilometer per hour round off to one decimal for the entire journey. पूरी जर्नी की हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अगर 1/3 जो हम जर्नी कवर कर रहे हैं 32 से किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं, 1/3 62 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं, और बाकी की 1/3 जो कर रहे हैं हम 36 किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं। आइए, हमें 3 स्पीड्स गिवन है। स्पीड गिवन है कितनी है, 3। फर्स्ट है 32, सेकेंड है 62, एंड थर्ड है हमारे पास 36। अब हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, ये कहा गया 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 का मतलब तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अब तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इन स्पीड्स का एलसीएम लेकर, 32 62 एंड 36 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 32 जो होता है 2 की जो आता है 5 टाइम्स आता है, तो मैंने 32 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 62 का जो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 31 होता है। अच्छा, 2 जो है 32 के अंदर इंक्लूड है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 31 से करनी पड़ेगी, एंड 36 जो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है, एंड 32 4 मल्टीप्लाई 8 होता है, तो 4 इसमें भी इंक्लूड है, किससे और मल्टीप्लाई करनी है, 9 से। अब जितनी स्पीड से उतनी बार डिस्टेंस लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई 9, 3 बार था तो हमने इसे 3 बार लिख लिया। फिर आगे हमें चाहिए टाइम। टाइम के लिए क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने इस डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 30 स्पीड से, तो जब इस डिस्टेंस को 32 से डिवाइड करेंगे तो 31 मल्टीप्लाई बाय 9 बचेगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसकी वैल्यू आएगी 279। फिर जब हम इसे 62 से डिवाइड करेंगे तो 62 31 2 बचेगा, एंड 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 9, और जब 16 की और 9 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। एंड 36 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 9 4 होते हैं 36 एंड 4 8 होता है 32, तो हमारे पास बचता है 31 एंड 8। जब दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 248। अब टाइम का टोटल कर लेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास, इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 9 4 13 और 8 21 का 1 कैरी 2 20, फिर आता है ये हमारा हो जाएगा 17 का 7 कैरी 1 6 17, टोटल टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस भी चाहिए एवरेज स्पीड के, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगी देखो 32 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 9, 3 बार है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है टोटल डिस्टेंस। आइए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, पहले 32 की एंड 31 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इनको एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 की 3 से 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 1 की 3 से करेंगे एंड इस 3 की 2 से करेंगे, फिर सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 3 3 2 6 एंड 3 और 6 क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 9, 3 3 9, तो हमारे पास आया 992।
अब इस 992 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, इस 992 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 9 3 27 27 से। आइए करते हैं, 27 2 54 होते हैं, 4 आया कैरी गया 5, 27 9 27 9 होते हैं 243 243 में हम 5 और ऐड करेंगे 248 हो जाएगा, तो अब कैरी जाएगा हमारे पास 24 27 9 फिर 243 243 में हम इस 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 267। ठीक है, तो हमारे पास आया 267840 हमें 4। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 26784 डिवाइडेड बाय 671, और जब 671 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2684। अब ये 2684 से थोड़ा सा कम है, तो ये तकरीबन 40 से थोड़ा सा कम है, 40 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 39.9। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39.9, ऑप्शन नंबर 4। एस्टिमेट से करा है हमने, एस्टिमेशन मेथड वैल्यू लगा दी, पूरी कैलकुलेशन नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 साल पहले एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी 65000 थी, अब फर्स्ट ईयर में वो पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुई है, सेकंड ईयर में वही पॉपुलेशन 15% इंक्रीज हुई है, तो हमें करंट पॉपुलेशन बतानी है उस टाउन की। देखिए 65,000 थी उसकी पॉपुलेशन, पहले जो इंक्रीज करी 10% इंक्रीज की, 10% इंक्रीज का मतलब 110%, और फिर हमने इंक्रीज करी 15% उसका मतलब 115%। आइए सॉल्व कर देते हैं, ये 20 से ये 20, एक 0 से 1 और इससे 1, मल्टीप्लाई करनी है 65 की 115 से, 115 मल्टीप्लाई बाय 65, 65 5000 होते हैं 325, 32 कैरी, 65 1 65 एंड 32, ये हो जाएगा हमारे पास 97 का 7 कैरी 9 एंड 65 और 974। अब इसकी 11 से करनी है तो हम इसी नंबर को एक डिजिट आगे करके ऐड कर देंगे, तो 52228 हमारे पास जो आता है 2822288225 आएगा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में 30 स्टूडेंट अपियर हुए, एक क्लास के 30 स्टूडेंट अपियर हुए एक टेस्ट में, जिसमें से 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 66 मार्क्स स्कोर करे और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 78 मार्क्स स्कोर करे, तो एवरेज मार्क्स है ये, तो हमें बताने पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है। ठीक है, 12 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स है 66, बाकी के जो 18 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स है 78, उन 78 को मैं क्या लिखूंगा, 66 प्लस कितना 12, फिर हर बच्चे का 12 मार्क्स ज्यादा लेकर आया इस 66 एवरेज से, तो टोटल मार्क्स में कितना इंक्रीज हुआ, तो हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देखेंगे 12 की और 18 की, तो क्या आता है 12 की और 18 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, टोटल हमारे 216 मार्क्स ज्यादा है। अब हमारे पास पूरी क्लास में स्टूडेंट हैं 30, एवरेज अगर ये 66 ही माने तो लेकिन हमारा क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा, कितना इंक्रीज होगा, 216 टोटल में इंक्रीज हो रहा है, इस 216 को हम 30 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 से हम डिवाइड करा तो 72 आया और एक डिवाइड में एक जीरो है तो ये हो जाएगा 7.2, इसमें 66 में 7.2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73.2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है, एक पूरी की पूरी इक्वेशन, एक पूरा एक्सप्रेशन है, बोर्ड मास ही यूज हो गए हैं अभी, आइए सॉल्व करते हैं। देखो ये थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं एस्टिमेट वैल्यू से, 25.03 को ऐसे ही लिखा, प्लस 7.6 सॉरी माइनस है प्लस नहीं है, फिर हम बाद में गलती करते हैं, 7.6 फिर प्लस 4/5 ऑफ किसका भाई, अंदर है 7.5 और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3.01। अब मैं क्या करता हूँ, 01 को हटा के मैंने 3 की मल्टीप्लाई 0.5 से कर दी तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। ठीक, 25.03 माइनस अब ब्रैकेट में 7.6 प्लस 4/3, इनको सॉल्व 4/5 है
और इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, ठीक है, यहाँ 6 आएगा माइनस करने पर। और इस 6 को अब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, और इस 1.2 की 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.8। अब हमें सॉल्व कर देना है, इन दोनों को जब ऐड करा हमने हमारे पास आया 12.4। हमें क्या करना है, 25.03 में से इसको माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12.63 माइनस करने के बाद, आगे का 4 होता अगर हम इसे 0.01 से ही मल्टीप्लाई करते, इससे भी हो गया लेकिन हमारा आंसर सही है, तो आंसर इज 4, एस्टिमेट आ गया ना। आदित्य कैन डू 1/7 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। आदित्य किसी काम का 1/7 पार्ट जो 6 दिन में कर रहा है, भगवान उसी काम का 1/5 पार्ट 18 दिन में कर रहा है, तो हमें बताना है कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे अगर वो दोनों एक साथ काम करें। भाई आदित्य जो है 1/7 पार्ट कर रहा है 6 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 7 × 6 मतलब 42 डेज में। और भगवान जो है 1/5 पार्ट कर रहा है 18 डेज में, तो भाई पूरा कितने दिन में करेगा, 5 × 5 90 डेज में। ये तो इनका टाइम आ गया, लेकिन वर्क क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब 90 और 42 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 630। 42 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 42 ones are 42 ones are and 42 5s are 210। फिर 90 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। अब जब आदित्य और भगवान दोनों मिलकर काम करेंगे तो वर्क होगा 22 units, 630 units। फिर 42 पर डे के हिसाब से करेंगे तो टाइम कितना रहेगा, 2s are होते हैं हमारे कितना, 44, बचेगा कितना हमारे पास, 190। पर हम 190 को हम करेंगे तो जाएगा 8 टाइम्स में, तो ऑप्शन नंबर 28 कुछ समथिंग आएगा, तो 28.6 हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट इन्वेस्ट करता है 87,600 रुपीस 20% पर एनम पर एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो बताना है कितना उसे अमाउंट रिसीव करेगा मिलेगा एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म कर देते हैं, हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा 10% पर हाफ ईयर। एंड जो टाइम होता है वो जाता है डबल, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे। 20% अच्छा 10% आया, 10% को हम लिखते हैं 1/10। 1/10 का मतलब अगर आप 10 रुपये जमा कर रहे हो तो 1 रुपये उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 11 रुपये मिलेंगे, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। जितना हमारा टाइम होता है उतनी हम इनकी पावर्स लगा देते हैं, तो यहाँ पर टाइम कितना है 2, तो हमने यहाँ पर 2 इनकी पावर लगा दी, तो यहाँ पर आया हमारे पास 100 और इसका स्क्वायर आया 121। ये 100 जो हमारा प्रिंसिपल है, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल है हमारे पास 87600। तो हम देखते हैं 100 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 87600 डिवाइडेड बाय 100, या डायरेक्ट हम 120 हमें अमाउंट चाहिए तो डायरेक्ट 121 की वैल्यू निकालनी है, तो हम 87600 को डिवाइड कर देंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 121 से। अब देखिए 6 ones are 6, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 1, और 6 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा 6 आएगा। ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट 6 हो वो ऑप्शन नंबर 3 है और कुछ नहीं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 105996। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर से उनका एवरेज जो है 20 है, 3 नंबर्स में उनका एवरेज जो है 20 है, अगर दो नंबर, एक नंबर 14 है और दूसरा नंबर 26 है, तो बताना है तीसरा नंबर क्या होगा। भाई दो नंबर, तीन नंबर का एवरेज 20 है, तो टोटल नंबर्स क्या होंगे इनका 60, एक नंबर 14 है दूसरा 26 है, इन दो नंबर्स का टोटल क्या होगा, 40। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर होगा, वो क्या आया, वो आता है हमारे पास 20, ये हमारा थर्ड नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 पीपल विजिट करते हैं एग्जीबिशन में संडे को, जबकि
वेयर इज 1860 पीपल विजिट करते हैं मंडे को, और परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग एग्जीबिशन ऑन मंडे हु ओवर द हु दोज हु विजिटेड ऑन संडे वाज। ये पूछ रहा है संडे को 1600 विजिट कर रहे हैं और मंडे को 1860 विजिट कर रहे हैं, ये जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हमारे पास अगर हम नंबर्स में देखें तो 260 इंक्रीज हो रहा है। ये पूछ रहा है कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है निकाल देंगे, 260 को डिवाइड कर देंगे 1600 से 1600 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 16 बचेगा 100 एंड 16 96 होते हैं तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 4 बचेगा ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 16.25। नेक्स्ट, पंकज किसी काम का 1/4 पीस कैन कंप्लीट 1/4 पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। पंकज जो किसी काम का 1/4 जो काम कर सकता है वो 3 डेज में कर सकता है, जबकि जगन उसका 1/5 काम 15 डेज में कर सकता है, तो बताना है कितने दिन में वो दोनों काम कंप्लीट करेंगे अगर दोनों एक साथ काम करें। लास्ट क्वेश्चन कितने, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन दे दिया है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। पंकज 1/4 कर रहा है 3 डेज में, तो पूरा कितने में करेगा 12 डेज में, 3 का इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एंड जगत जो है, जगत कर रहा है 1/5 कर रहा है 15 डेज में, तो पूरा कितने में करेगा 75 डेज में। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, जो आएगा हमारा वर्क, ये तो हमारा टाइम आया 12 एंड 75, दोनों का एलसीएम आएगा 300, ये हमारा वर्क आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या आएगी 12 की, हम इससे 12 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 एंड 12 को 75 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। तो अब यहां से हम पंकज और जगत दोनों काम एक साथ करेंगे तो एक दिन में जो वर्क होगा होगा 29 मिनट। अभी 300 यूनिट वर्क है, 29 की एफिशिएंसी से होगा तो टाइम कितना है 29 × 29 = 290 हो गया। अब बचा हमारे पास 10 बचा है, 10 जो होगा 29 का 1/3 के करीब होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 10.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल 112 रुपए में एक आदमी बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है, तो बताना है उसे 35% का प्रॉफिट के लिए कितने में उसे बेचना पड़ेगा। भाई 20% का लॉस का मतलब क्या हो, 80% में वो बेचा जा रहा है, जब 80% में बेचा जा रहा है कितने में, 112 रुपए में, उसे 35% प्रॉफिट में बेचना है, मतलब 135% में बेचना है। अब 135% क्या होगा, 112 को 80 से डिवाइड कर देंगे एंड 135 से मल्टीप्लाई, आइए करते हैं, ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 × 10 = 8, अब इसे करते हैं तो आएगा 8 × 8 = 8, 8 × 3 = 2 हो गया, 8 × 4 = 2, 5 × 2 = 7, 5 × 5 = 2 = 5, 7 × 7। अब हमें करना है 27 × 7 = 27, 7 × 7 = क्या होगा, 7 × 7 = 14 = 9, 4 × 7 = 14 = 4, 18 × 1 = 89, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी करा था, वहां पे भी 3 डिस्टेंस दी गई, 3 स्पीड दी गई थी और 3 इक्वल डिस्टेंस थी, तो क्या करना होता है, जैसा पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसा ही सॉल्व होगा, 10, 87 एंड 57, इन तीनों नंबर्स का हम क्या लेंगे एलसीएम, वो क्या होगी हमारी डिस्टेंस होगी, तो 10, 87 एंड 57, तो 10 है आएगा, 87 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 29 एंड 57 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये तीन बार आ जाएगा, 3 बार ही लिख देते हैं इसे, 29 मल्टीप्लाई बाय 19 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 19। टाइम निकालते हैं, जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 19 और 29 एंड 3 की 19 29 एंड 3 की मल्टीप्लाई होगी, 19 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है, अच्छा 19 × 3 = जो होता है ना 570 होता है, इसमें से हम एक बार 19 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 29 से मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो आ जाएगा, वो आया हमारे पास 551। इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 16530 और लास्ट में 10 से भी मल्टीप्लाई करना था तो एक जीरो भी लग जाएगा, तो हमारे पास यहाँ टोटल टाइम आया 1653, 10 से तो डिवाइड हो चुका है। ओके, अब 87 से करेंगे तो 29 3 = 87 होता है, 19 बचा और 10 बचा तो सीधा 190,
57 से करेंगे 3 9 3 19 जा रोते 57 तो 29 और 10 बचा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 290 आएगा। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितनी आती है टोटल डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस आएगी इन सब की मल्टीप्लाई करके उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। अभी हमने 29 की और हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखा तो इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आया 16530। इसकी एक बार 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 905 कैरी 1 और ये 19 का 1 कैरी 1 ये आया 49590। ठीक है, अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम जो आएगा इन सबका टोटल आएगा 3 9 9 18 9 18 और 5 23 का 3 कैरी 2 और इन सबको टोटल करेंगे 11 आएगा, 11 का 1 कैरी 1 2। तो हमारे पास ये आता है 2133 और इनका टोटल आता है 49590। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है एवरेज स्पीड के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस 49590 डिवाइडेड बाय 2133। अभी हम देखें तो ये तो अप्रोक्सीमेट से कर सकते हैं। देखते हैं, हमने 21 टू जार होते हैं तो हमने टू जार करा तो टू जार जाएगा 4266। तो 4959 में से इसे माइनस करेंगे 9 में से 3 एंड 15 में से ये 6 जाएगा 9 एंड यहाँ पर बचता है 8 में से 2 जाएगा 6 तो ये आ जाता है 0 यहाँ पर। अब यह जो जाएगा 21 3 जार जो होते हैं वो होते हैं 60 थे तो पूरा चला जाएगा तो ये 23 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 23 पॉइंट समथिंग मतलब 23.2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन कैन डू 1/4 ऑफ दी ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। अमन जो है किसी काम का 1/4 4 डेज में कर सकता है जबकि चमन उसी काम का 1/8 जो है 8 डेज में करता है। तो बताना है अगर वो दोनों लोग एक साथ काम करें तो काम कितने डेज में पूरा होगा। अब अमन जो है 1/4 काम कर रहा है 4 डेज में तो पूरा काम कितने में करेगा, 4 × 4 यानी 16 डेज। एंड दूसरा है चमन, चमन 1/8 कर रहा है 8 डेज में तो पूरा वर्क जो करेगा वो कितने में करेगा, 8 × 8 = 64। हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 64 आएगा। देखो क्वेश्चन वही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का पूरा सेम बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया वर्क। अब यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे 16 4s are and 64 1s are। अब अमन और चमन दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 4 और 1 5 5 यूनिट वर्क पर डे होगा। 64 यूनिट वर्क होना है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से तो हमारा काम जो टाइम जो लगेगा वो लगेगा 12.8 डेज। 5 × 12 = 60 होते हैं और 4 के लिए पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक स्पीड है ट्रक की, द स्पीड ऑफ अ ट्रक इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है वो 3 घंटे 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए जब भी मीटर पर, अब यहाँ पे किलोमीटर गिवन है और टाइम भी आवर्स में गिवन है। तो जब भी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो और किलोमीटर पर आवर में करना हो तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 m/s = 18/5 km/h होता है। तो हमने स्पीड निकाली 25 किलोमीटर मीटर पर सेकंड थी तो 18/5 से हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारी स्पीड आती है 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम गिवन है 3 hours 30 minutes तो टाइम जो जाएगा 3 घंटे पूरे हैं और आधा घंटा तो 3.5 आवर कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 3.5 आवर। 90 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा और 0.5 से करेंगे 45 आएगा। 270 + 45 आ जाएगा 315 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 पीपल एक एग्जीबिशन में जाते हैं फ्राइडे को, जबकि 1800 पीपल जाते हैं सैटरडे को, तो बताना है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ पीपल जो विजिट करा है एग्जीबिशन सैटरडे को, और फ्राइडे से कितना परसेंट इंक्रीज है। भाई फ्राइडे को 1600 है, ठीक है, एंड सैटरडे को 1800 है, तो हम देख रहे हैं कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 200। अभी 200 फ्राइडे के 1600 का कितना परसेंट है ये निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 16 4 बचेगा 40 हो गया, 16 2 32.8 बचा, 16 5 तो कितना आया 12.5%, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम एट ऑर्डर टू अर्न इतने इंटरेस्ट। भाई हमें गिवन दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा दे रहे हैं, और वो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, इतना मिलना है, और टाइम है हमारे पास 1 साल 4 महीने। अब 1 साल 4 महीने को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साल 4 महीने को हम लिखेंगे 1.33 लिख सकते हैं। वैसे हम आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने हो गए, 16 मंथ हो गए। अब एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसे आर में ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 16/12 ईयर ऐसा करके सॉल्व कर देंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8.5%। आइए सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। एस आई है हमारे पास 1360, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8.5% एंड टाइम है 16/12 डिवाइडेड बाय 100, 4 3s एंड 4 4s, ठीक है। अब इसको उधर ले जाते हैं सबको, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1360 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, जो डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड। तो हमने क्या करते हैं, देखो पहले तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1s 4 3s 12, 1 4 6 हो गया, 4 4s 0। अब 8.5 जो होता है 8.5 जो होता है 17 का हाफ होता है, और 17 का डबल 34 होता है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं 8.5 1s 8.5 8.5 4s 34, एक जीरो था एक जीरो लगा दिया, 4 3s 12 12 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000 रुपीज़, जो हमने इन्वेस्ट करें वो 12,000 रुपीज़ करें, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28.9 ratio x, प्रोपोर्शन में है एक्स रेशियो 6.4 के, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 28.9 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल है 8/6.4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 28.9 × 6.4, स्क्वायर इधर आकर रूट बन जाएगा तो 289 × 64, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में इसके 10 आ गया, पॉइंट हटाएंगे इसके भी 10 आ गया, तो अपॉन में क्या है इनके पूरे अपॉन में 100 है डिवाइड में एक्स की वैल्यू। अच्छा ये जो होता है, ये होता है हमारा 17 का स्क्वायर 289, एंड 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर, और डिवाइड में 100 जो होता है 10 का स्क्वायर, तो 10 से डिवाइड भी कर देंगे, दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 136, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा आंसर हुआ 13.6, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, आदित्य एक काम का 1/7 पीस जो कर सकता है वो 17th डे में कर सकता है, 17 डे में कर सकता है, और जो भगवान जो है 1/8 काम वर्ग जो है उसी काम का 6 डेज में कर सकता है, तो बताना अगर वो एक साथ काम करें तो वर्क कितनी डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, एक है हमारे पास आदित्य और दूसरा है भगवान, आदित्य जो है 1/7th वर्क 17th डे में कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क कितने में, 17 × 7 क्योंकि 1/7 17 डेज में कर रहा है, तो कंप्लीट तो पूरा होगा, उसका 7 गुना होगा, तो जो हमारा टाइम आएगा 17 7s 119 होते हैं, एंड भगवान 1/8 कर रहा है 6 डेज में, तो भाई कंप्लीट कितने दिन में करेगा,
वो करेगा 6 8 48। फिर अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो आएगा 119 मल्टीप्लाई बाय 48। ये हमारा वर्क आया। और फिर हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 119 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा एंड इसकी 119 यूनिट एफिशिएंसी आएगी। दोनों को ऐड कर देते क्योंकि दोनों को एक साथ वर्क करना है। जब हमने दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आया 7 का 17 करीबन 167। और टोटल वर्क कितना है 119 को हमें 48 से मल्टीप्लाई करना है। 119 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा 48 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 48 की हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 432। 432 का 2 कैरी 43 एंड 48 वन जर 48 प्लस 43 ये हो जाएगा 91 का 1 कैरी 9 एंड 48 वन जर 48 एंड 9 ये हमारा आ जाएगा 4857। 5712 यूनिट वर्क 167 पर डे 167 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने होंगे। जब हम डिवाइड करते हैं 5712 को हम डिवाइड करते हैं 167 थ्रीज आर 21 का 1 कैरी 2 एंड 16 थ्री जार 4 ये आ जाएगा 507 501। एंड अगेन ये 702 आता है तो 16 फोर जार 64 होते हैं एंड 17 फोर जार 56 होते हैं तो ये आ जाएगा इतना। हमारे पास 8 बच रहा है तो अप्रोक्सीमेट 34 पॉइंट समथिंग आएगा एंड 34 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी दो तरह के एप्पल्स खरीदता है। एक खरीदता है 2 रुपए के 3 एप्पल और दूसरा खरीदता है 6 रुपए के 1 एप्पल और दोनों को बेचता है इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी में खरीदता है दोनों के। अगर फर्स्ट वाले के 3 खरीदा है तो सेकंड वाले के भी 3 खरीदेगा। अगर सेकंड वाले के 4 खरीदा है तो फर्स्ट वाले के भी 4 खरीदेगा और उनको बेचता है 5 रुपए का 1 एप्पल का तो बताना उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए 2 रुपए का 2 रुपए के 3 एप्पल्स हैं 2 रुपए के 3 एप्पल हैं तो भाई 1 एप्पल कितने का हुआ। 1 एप्पल कितने का होगा 1 एप्पल होगा 2/3 रुपीज का ठीक है। और हमारा 1 एप्पल जो है यहाँ पर 6 रुपीज का है ठीक। अब इसका डिनोमिनेटर का जो 3 है इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 3 एप्पल कितने के हैं। अब उसने जो 3 एप्पल इसके लिए हैं 2 रुपये के 3 एप्पल हैं है ना 2 रुपए के 3 एप्पल लिए हैं इसने ये तो गिवन ही है। देखिए हमें गिवन है 2 रुपए के 3 एप्पल 3 एप्पल जो हैं 2 रुपए के हैं एंड 1 एप्पल 6 रुपए का है तो हम एक काम कर लेते हैं ये ले मान लेते हैं ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने दोनों जगह 3 3 एप्पल खरीदे हैं तो यहाँ भी हमने 3 एप्पल खरीदे हैं तो कितने का हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आया हमारे पास 18 रुपए के ठीक। अब 3 एप्पल ये 3 एप्पल ये तो हमने टोटल खरीदे 6 एप्पल कितने में 18 + 2 20 रुपीज में ऑन एन एवरेज ठीक है 20 रुपीज के हमने खरीदे हमने 6 एप्पल। 1 एप्पल जो हम बेच रहे हैं 1 एप्पल जो बेच रहे हैं हम 5 रुपए का बेच रहे हैं ठीक क्वेश्चन में गिवन है तो भाई 6 एप्पल्स कितने का बेच के बेचेंगे तो हमने 5 रुपीज की 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 रुपीज के बेचेंगे। भाई 20 रुपए के हमने 6 एप्पल खरीदे थे 30 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इन 20 रुपीज के ऊपर। परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा परसेंटेज में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50% 0 से 0 कैंसिल 250 है तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 50% प्रॉफिट हो रहा है ठीक है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भया कैन डू 1/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज। एक किसी काम का 1/5 जो है 11 डेज में कर सकते हैं और इसमें 1/4 कर सकता है 18 डेज में तो हमें नंबर ऑफ डेज बताने हैं किस चीज का नंबर ऑफ डेज बताने हैं तो हमें गिवन ही नहीं है। अच्छा ये जो है ना क्वेश्चन में भी गिवन नहीं था उसकी जो आंसर की आई है ना आंसर किया क्वेश्चन जो पेपर है उसमें भी इतना ही गिवन है
यार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है आज हम ये मान कर चलते हैं कि निर्भया को भी और निर्भया और विस्मय दोनों एक साथ काम करें, तो कितना निर्भया 1/5 कर रहा है 11 डेज में, तो भैया पूरा कितने में करेगा 55 डेज में। एंड विस्मय जो है 1/4 कर रहे हैं 18 डेज में, भाई तो पूरा कितने में होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा हमारा 18 4 72। ठीक है, इनका एलसीएम देखेंगे तो 55 मल्टीप्लाई बाय 72 ही रहेगा, और यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो 72 एंड 55, टोटल एफिशिएंसी जो आएगी 127 आएगी। अच्छा, टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा, हम 72 की 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 की जब हम से करेंगे तो 360 आएगा, और 360 की 11 से कर देते हैं तो हमारे 3960। निर्भया और विस्मय दोनों मिलकर काम करेंगे 3960 यूनिट 127 के एवरेज। 127 वन 127 127 थ्री जार कितने आएगा, 381। ठीक है ना, 381, तो हमारे पास बचा 381 150, तो ये 1 टाइम्स आएगा 31। अच्छा 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31.2 बच रहा है ऐसे ही, तो हमारा आंसर 31.2 रह जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें हम देखा है कुछ ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने कुछ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है देखिए, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, सेकंड क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, थर्ड एसआई परसेंटेज, फिर एवरेज है, ये एवरेज है, फिर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के दो हो गए, टाइम एंड वर्क का आ गया ये, फिर ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज एवरेज के भी दो हो गए, ये आ जाता है हमारे पास परसेंटेज, परसेंटेज के भी दो हो गए, टाइम एंड वर्क का सेकंड है, और फिर ये आ गया कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस जो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेम है या? अच्छा, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क का ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का भी थर्ड आ गया, परसेंटेज का भी थर्ड या फोर्थ है, मतलब हर टॉपिक से दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन में, और सबसे ज्यादा है हमारे टाइम एंड वर्क। ठीक है, अगर हम देखें एक क्वेश्चन ये था टाइम एंड वर्क, अगर हम एवरेज देखें तो टोटल हमारे पास टाइम एंड वर्क से 5 से 6 क्वेश्चन थे, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में, तो मतलब काफी हद तक इसी से आया है पेपर। ओके, आपने अगर पूरी वीडियो को अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू।